नहीं, बहुत सम्मान करता हूं इनका, लेकिन मैं ये इनको बताना चाहता हूं कि ये जो इतना विश्लेषण हुआ है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये अनर्गल विश्लेषण है। आप 2004 देखिए, 1989 देखिए, 1977 देखिए, जब जब बात आती है सत्ता परिवर्तन की तो वहां पर व्यक्ति नहीं देखते हैं, आप महत्वाकांक्षा की बात करते हैं। सर सुन लीजिए पहले मैं, आप महत्वाकांक्षा की बात करते हैं, यहाँ पर तो एक ही आदमी की आकांक्षा पूरी होती है, एक ही आदमी का, एक ही दल का आकांक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, एक ही संगठन का महत्वाकांक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी आकांक्षा संविधान संगत है, और संविधान को जो लोग तार तार कर रहे हैं उनके खिलाफ है, जो इस समाज के खिलाफ है, जो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो गरीबों के खिलाफ है, उनके खिलाफ है हम। और जो गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, 2004 में कौन नेता था, किसको डिक्लेयर किया गया था, साइनिंग इंडिया के खिलाफ में कौन एक व्यक्ति को माना गया था, सरकार बदली या नहीं बदली? तो आप यह मत कहिए कि एक व्यक्ति आएगा तो पूरा सरकार बदल जाएगा। आज के पूरे देश में यह माहौल है कि भाजपा सरकार को हटना चाहिए। ओके आचार्य जी, एक सेकंड, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, उसे ठीक करा रहा हूं। संजू वर्मा, डर फैलाती है। संजू वर्मा बोलिए, विपक्ष एकजुट नहीं भी हुआ तो भी नवल किशोर कह रहे हैं हरा सकते हैं, 2004 याद कर लीजिए। मानव जी, नवल किशोर क्या कहते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना बीजेपी को फर्क पड़ता है। मैंने कहा हारी हुई पार्टियां, आरजेडी का वजूद बिहार के बाहर कुछ नहीं है, आचार्य प्रमोद ने सही कहा। सपा का तो उत्तर प्रदेश में भी वजूद खत्म हो चुका है, ममता बनर्जी का बंगाल के बाहर कोई वजूद नहीं है। 2024 का चुनाव होगा जैसे 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, मोदी वर्सेस ऑल, और एक मुद्दे पर चुनाव होगा, राष्ट्रवाद वर्सेस प्रांतवाद। ये सब जो छोटी मोटी मछलियां हैं तालाब में जो अपने को मगरमच्छ समझ रही हैं, ये सब प्रांतवाद को सिंबलाइज करती हैं। कौन कौन सी है छोटी छोटी मछलियां? नहीं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ महाराज जी, प्लीज मुझे इंटरप्ट कीजिए। थोड़ा सा छोटी छोटी मछलियां कौन है बता दीजिए, दो चार नाम ले दीजिए। आज भी आपके डिबेट में बीजेपी वर्सेज ऑल है। खैर, मुझे बीजेपी वर्सेज ऑल वाली डिबेट्स में कुछ ज्यादा मजा आता है। एक बात जो नरेंद्र मोदी जी ने कही थी जब हाल ही में बजट सेशन के दौरान संसद में उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, मोदी अखबार की सुर्खियों से नहीं बना, ना मोदी टेलीविजन पे चमकते हुए चेहरों से बना है, नरेंद्र मोदी बना है इस देश की जनता की दुआओं से। और जो मिस्टर वाजपेयी ने कहा, मैं उससे पूरा मेल खाती हूं, क्योंकि आप अभी हाल ही में 24 घंटे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि हमेशा मोदी सरकार को ज्यादातर कोसती ही है, कभी तारीफ नहीं की, तो यह मत कहिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक संघीय यूनिवर्सिटी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि जो काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोविड महामारी के चलते किया, वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आने वाले कई दशकों तक मिसाल बनकर रहेगी। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है। और आप लोग यहां पर बैठकर, और एक बात कहती हूं, एक छोटा सा, आपके शो में थोड़ी शायरी तो बनती है, 10 सेकंड। प्यादा भी कभी वजीर होता है, प्यादा भी कभी वजीर होता है, राजा भी फकीर होता है, प्यादा भी कभी वजीर होता है, राजा भी फकीर होता है, स्वतंत्र होता है तो वही होता है यारो, स्वतंत्र होता है तो वही होता है यारो, जिसमें जिंदा जमीर होता है, जिसमें जिंदा जमीर होता है। ये ऑपोजिशन पार्टियों का जमीर कहां है? मोदी जी ऐसे हैं, अमित शाह वैसे हैं, जेपी नड्डा वैसे हैं। आपका राजनीतिक जमीर होता है आपकी आइडियोलॉजी, और आपकी आइडियोलॉजी है शून्य।